कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं और नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी होता है। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सर्दी की सौगात, अंडों का हलवा, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनता है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को वॉच करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। हमें जो अंडे लिए, इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 6 अदद हमने यहाँ पर ले लिए हैं अंडे, ठीक है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप हमने भर कर ले लिया है फ्रेश मिल्क, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश मिल्क के साथ आप बनाएंगे ज़्यादा अच्छा बनेगा। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप हमने चीनी इसमें डाल देनी है भर के, और साथ ही हमने जिसमें ऐड करने हैं यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है घी, और यहाँ पर ले लेंगे हम 1/2 कप हम लेंगे सूजी। इसके अलावा हम लेंगे 1/2 कप हम इसमें लेंगे खोया, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें जो मजीद इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, हसब जरूरत हम इसमें शामिल करेंगे बादाम पिस्ते, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, और चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर, ठीक है। ये जो हमें रिक्वायर्ड है अंडों का हलवा बनाने के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने एक बॉल ले लेना है और यहाँ पे जो अंडे हैं उसको 1 by 1 करके हमने तोड़ना है और इसमें ऐड करते जाना है। तो हमने यहाँ पे 6 अदद हमने अंडे ले लिए हैं, उसको अच्छी तरह तोड़ना है। तोड़ने के बाद चेक कर लेना है कि वो अंडे जो हैं वो सही है या नहीं, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं 1 by 1 ये स्टेप करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। यहाँ देखिए मैंने 1 by 1 करके सारे जो अंडे थे मैंने उसको तोड़ लिया है और मैंने चेक कर लिया था कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। इस तरह करके मैंने जो सारे 6 अंडे लिए थे मैंने 6 अंडों को यहाँ मैंने एक बॉल में तोड़कर निकाल लिया है। अब मैंने क्या करना है इसका नेक्स्ट स्टेप ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लिया है, ब्लेंडर के अंदर मैंने 6 अदद जो अंडे लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने जो 1 कप चीनी ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर लूँगी ये सूजी जो मैंने इसमें ली थी 1/2 कप, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और साथ ही अब इसमें शामिल कर लूँगी दूध, ये जो मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर देना। जो मैंने 2 कप मैंने जहाँ पर जो दूध लिया था बॉयल हुआ हुआ, जो मैंने बिल्कुल फ्रेश मिल्क लिया था वो मैंने बॉयल कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो आपने बॉयल कर ही इसमें ऐड करना है। और साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी येलो फूड कलर, 1 पीस आपने डाल देनी है, 1 चुटकी आपने इसमें डाल देनी है और इसको आप अच्छी तरह कर लेंगे ब्लेंड। तो मैं अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, देन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ये मैं आपको बता। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1/2 कप जो घी लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है मेल्ट। और अब ये जो मैंने ब्लेंडर कर लिया है पूरा मिक्सचर, जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगी। तो मैं अब इसको ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है और ये जो ब्लेंड हुआ मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ देखिए ये जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ और ये मैंने सारा जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है, ठीक है। और अब मैंने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है और इसको इतना कुक करना है कि इसको मैं यकजा कर लूँ। इसको इतना कुक करूँगी कि जो सूजी मैंने इसमें डाली थी और जो मैंने इसमें अंडे डाले हैं, दूधा है, हर चीज़ जो है ये यकजा हो जाए और ये अच्छी तरह भुन जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जैसे मिक्सचर डाला था वो देखें कितना थिक हो गया है। वो थिक इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें हमने अंडों को ऐड किया था और साथ ही हमने इसमें सूजी को भी ऐड किया था। और सूजी फूलती है जब इसको आप किसी पानी में, दूध में या घी में इसको डालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारा जो मिक्सचर था वो थिक होना शुरू हो गया है और अब हमने इसको इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है कुक, और इतना कुक करेंगे कि इसका जो हमने जो अंडे और जो सूजी डाली है वो यकजा हो जाए और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे।
तो हम उसको भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह इसकी कंडीशन आ गई है और हम इसको किस तरह भून रहे हैं। तो लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है इसी तरह जैसे हमने अभी किया है, और इसी तरह मुसलसल आपने ये चम्मच है वो आपने चलाते जाना है ताकि आपका जो हलवा है अंडों का वो ना लगे नीचे और अच्छी तरह कुक हो जाए और उसका कलर भी ख़राब ना हो। इसका लुक अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ, और देखें इसका जो घी मैंने इसमें डाला था वो अलग होना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर को, तो इलायची पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें भी शामिल करूंगी हसबे जरूरत बादाम पिस्ते, जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। तो बारीक बारीक जो मैंने कटिंग कर ली है बादाम पिस्ते वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दी और इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, और मैं इसको मजीद भूनूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो है हलवे को अच्छी तरह भून लिया है और इसको यकजा कर लिया है। वाजह तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें घी डाला था वो यकजा हो गया है और अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है हमारा जो अंडों का हलवा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया है और तैयार हो गया है। और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। इसको बनाने में 30 मिनट लग जाएंगे अगर आप इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे, और ये बहुत अच्छी तरह भुन गया है और अब इसको कर लूँगी डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा अंडों का हलवा हो गया है कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी, और मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। और मैंने इसको डिश आउट किया है एक बॉल के अंदर, जिसके अंदर मैंने अंडे का हलवा डालने के बाद इसके मैं बादाम पिस्तों से कर ली थी गार्निश, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था खोया, और ऊपर से मैंने इसको गार्निश किया है चांदी के वर्क के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। लुक इज़ ग्रेट एंड ग्रेसफुल, और यमी भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यमी बना है। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। नॉर्मली इसको लोग शादियों में और क्या नाम है सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबकी फेवरेट डिश होती है। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।